अच्छा डॉक्टर साहब, सुना है आप पे कोई हमला शमला हुआ है, इसके बारे में क्या हुआ है जी? इस तरह के 9 तारीख की शाम को ना, मैं हमारा वार्ड का इमरजेंसी राउंड था, वो मैं करने गया हूँ, तकरीबन 7:30 का टाइम था। तो वहाँ मैं जब राउंड करने के लिए ऊपर गया हूँ, तो राउंड करके जब मैं वापस आया हूँ ना जी, तो वो 8:02 या 8:03 होंगे, मेरी गाड़ी के पास एक बंदा खड़ा था और वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। अब गाड़ी के करीब पहुँचा हूँ तो वो उसने मेरी गाड़ी के पहले एक साइड के मिरर को हिट किया, मुक्का मारा। शायद उसका ये मूड था कि मैं उससे आर्गू करूँगा ये लड़ाई, तो मैं गाड़ी में बैठ गया। जब गाड़ी में बैठा तो वो आगे से मूव करके आया और मेरे दूसरे साइड के मिरर को उसने हिट किया। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ये बता रही थी कि शायद वो मुझे अग्रेसिव था, काफ़ी लग रहा था कि यार लड़ाई के मूड में, लेकिन मैं गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से इसलिए भी मैंने निकलना बेहतर समझा कि मैंने जब देखा कि गेट पर कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके वापस आ गया। लेकिन वो मेरे जहन में ये था कि ये बंदा है कौन है, कोई पेशेंट का अटेंडेंट है क्या? तो वो मैंने मॉर्निंग टाइम पे अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करके उसकी CCTV जो कैमरा है उसको हमने डिटेक्ट किया, तो उसमें वो मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा था। वो मैं जब राउंड के लिए ऊपर गया हूँ तो वो नीचे पार्किंग में आया और मेरी गाड़ी के पास, उसमें देखा जा सकता है वीडियो में, वो काफ़ी देर खड़ा रहा, उसमें गाड़ी को अंदर से भी वो जांग के देख रहा है, उसको खोलने की कोशिश भी कर रहा है। फिर वहाँ वो वेट करने के बाद ऊपर वार्ड में आया, वहाँ एक फीमेल साइड पे गया, फिर मेल साइड पे जब मैं राउंड कर रहा हूँ मुझे देख रहा है, और फिर वापस आके उसने ये कार्रवाई की। अच्छा, पुलिस पे आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की, बंदा अरेस्ट हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने कंप्लेंट तो अगले ही दिन अपने डिपार्टमेंटल जो कंप्लेंट होती है थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने हेड के थ्रू जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं, उनको की। फिर उन्होंने आगे से रेफर किया जो पुलिस चौकी हमारे हॉस्पिटल में, उसको किया, और उसकी कॉपी जो थी हमने SHO को भी, DPO को भी हमने पहुँचाई। और फिर अगले दिन जब हमने वो वीडियो से डिटेक्ट कर लिया कि वो बंदा जो है वो पहले यहाँ पे किसी ज़माने में आउट जॉब करता रहा है, और उसके कोलीग्स से हमने डिटेक्ट किया, उसका नाम मालूम हुआ, जब उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो फिर उसके एक दो कोलीग्स ने हमें बताया कि वो यहाँ पे आमिर खटक नामी कोई लड़का है, उसके साथ ठहरा हुआ है, और मेरे एक हाउस ऑफिसर से भी मिला, वो वीडियो में वो भी देखा जा सकता है। तो उस मेरे हाउस ऑफिसर ने बताया कि उसने आमिर खटक को ये कहा कि मैं तो बेसिकली डॉक्टर साहब को मारने के लिए आया हूँ, लेकिन दो दफ़ा मैं गया हूँ, लेकिन वो उनकी बचत होगी वार्ड में भी, और नीचे वो पार्किंग से भी निकल गए। तो जब ये सारी स्टेटमेंट सामने आ गई तो फिर हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उन्होंने कल इंस्ट्रक्ट किया थाने वालों को कि भाई सारी इन स्टेटमेंट की बुनियाद पर आप इसकी FIR करें, जो कल उसके ऊपर हो गई है, और अभी उसके सर्च किया जा रहा है कि वो किधर है। उस टाइम पे आपने उस बंदे को पकड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया या सिक्योरिटी क्यों नहीं कॉल की? देखिए, मेरे पास तो ऐसा सिक्योरिटी का नंबर भी नहीं और पुलिस का नंबर भी नहीं है, और वहाँ पर जिस तरह के हालात थे, अंधेरा था, कोई बंदा नहीं था। उस वक्त मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये बंदा कहाँ से आ गया, क्योंकि ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ये इस तरह का वाकया हुआ है। तो मैंने बेहतर यही समझा कि यहाँ से मैं किस तरह निकलूँ, क्योंकि मुझे खुद अपने लाइफ का एक थ्रेट फील हो रहा था कि ये बंदा कोई अटैक मेरे पे ना कर दे। अच्छा, इस बंदे के साथ आपका कोई पुराना तलक, जान पहचान? नहीं, इस बंदे को मैंने तो जब देखा मैं तो बिल्कुल उसको पहचान ही नहीं सका, क्योंकि मेरी जो कंप्लेंट है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लेंट अगेंस्ट अननोन पर्सन की है कि ये कौन है। ये तो बाद में जब वीडियो से पता चला कि डॉक्टरों के साथ मिल रहा है, तो तब पता चला ये किसी ज़माने में यहाँ पर हाउस जॉब करता रहा, और इसी के कोलीग से पता चला है कि ये किसी ज़माने में 3-4 साल 5 साल पहले हमारे वार्ड में ही हाउस जॉब करके गए। अब उस वक्त इसका कुछ ने ग्रज रखा है या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इसके साथ कोई जाती दुश्मनी या इस तरह का कोई लंजा नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, किसी ने इसको भेजा है इधर आपके पीछे या? अब ये कहना तो पॉसिबल नहीं है, अब ये समझ नहीं आ रही है कि इस बंदे के जहन में क्या बात है, इसको किसी ने बुलाया है। लेकिन एक बात जो कि मैंने इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद नोट किया, वो ये है कि इस बंदे को हर चीज़ का मेरे बारे में पता था, कि मेरी टाइमिंग का, कि मैं किस टाइम पे आके राउंड करता हूँ, मेरी गाड़ी का, जिससे मुझे ये शक होता है कि डेफिनेटली इस बंदे के साथ किसी और का भी लिंक है, जो हॉस्पिटल के अंदर के बंदे हैं जिन्होंने इसको बताया हुआ है कि भाई मैं किस टाइम पर राउंड के लिए आता हूँ, मेरी गाड़ी कौन सी है। तो ये अकेला नहीं है, ये पूरा एक लिंक मुझे फील होता है जी। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस से आज मैं जो मिला हूँ जी, DPO साहब से भी मिला हूँ, DSP साहब से भी मिला हूँ, मीरपुर थाना के SHO साहब से भी मिला हूँ, सारों ने बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमसे जितना पॉसिबल हो सकेगा हम इस बंदे को सर्च करने की कोशिश करेंगे, ये जहाँ पे भी होगा हम इसको लाएंगे। उसमें उन्होंने कहा इसका मोबाइल नंबर भी हमारे पास आ गया कि उसके थ्रू भी इसको सर्च करेंगे। तो होपफुली, उम्मीद तो है कि वो जैसे वो उम्मीद दिला रहे हैं कि वो बेस्ट पॉसिबल जो भी उनसे हो सकेगा वो करेंगे।